एक बार फिर बीजेपी नेता पर संगीन आरोप लगे हैं। पहले सेंगर ने सरकार को बदनाम किया और अब सतीश शर्मा ने बीजेपी के दामन में दाग लगाया है। पहले उन्नाव के बांगरमऊ विधानसभा सीट से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने पार्टी और सरकार को अपनी करतूत से बदनाम किया। अभी ये मामला शांत भी नहीं हुआ कि बीजेपी के एक और नेता पर रेप के आरोप लगे हैं। लखनऊ में मीडिया के सामने पेशे से वकील एक दलित युवती ने संगीन आरोप लगाए हैं। युवती ने मीडिया के सामने अपने बाल काटे। युवती का आरोप है कि पिछले 3 सालों से उसका शारीरिक शोषण हो रहा है। युवती ने बीजेपी नेता सतीश शर्मा के खिलाफ लखनऊ के गाजीपुर थाने में तहरीर दी है, लेकिन रसूख के आगे उसकी एक भी नहीं सुनी जा रही है। इतना हमें प्रताड़ित करते हैं, 1 साल से जो है हमें इतना परेशान, इतना मारपीट हमें किए हैं कि हम बता नहीं सकते। हमारी एक एक चीज, हमारा मुंह फोड़ दिया गया, हमारे सारे बाल खत्म कर दिए गए। हमने सब लोगों से कहा, SSP से कहा, CO से कहा, हमने सारी की सारी, हम आपको प्रतिलिपि दे देंगे, हमने सब लोगों को जो है अपनी एप्लीकेशन दी है। सब के सब जो है सतीश कुमार शर्मा को, हर कोई जो है हम पे दबाव बनाया जा रहा है। गिरफ्तारी नहीं हो रही है, 21 तारीख की FIR है। मीडिया के सामने अपने बाल काटते ये पीड़िता अपने ऊपर हुए अत्याचार के लिए इंसाफ मांग रही है। पीड़िता हर चौखट पर गई, गुहार लगाई, लेकिन उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। हर चौखट से मायूस लौटी पीड़िता ने मीडिया के सामने अधिकारियों और CM से इंसाफ की गुहार लगाई है। युवती का आरोप है कि उसके परिवार वाले शादी करना चाहते हैं, तो बीजेपी नेता और पेशे से वकील सतीश शर्मा धमकी देते हैं कि अगर शादी की तो पूरे परिवार को झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। मेरी मदद कीजिए, मेरे को गिरफ्तारी चाहिए, अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम आत्महत्या कर लेंगे, हम नहीं रहेंगे। आपको बता दें कि पीड़िता जिस बीजेपी नेता पर आरोप लगा रही है उसके साथ वो पहले काम करती थी। बीजेपी नेता और उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सतीश शर्मा और पीड़िता एक साथ काम करते थे। आरोप है कि लगभग 3 साल पहले सतीश शर्मा ने पीड़िता की एक अंतरंग वीडियो बना ली, जिसके बाद वो लगातार पीड़िता को ब्लैकमेल करते रहे और उसका शारीरिक शोषण करते रहे। FIR दर्ज होने के बावजूद भी आरोपी बीजेपी नेता पर कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि उसके रसूख के आगे पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। उच्च अधिकारी भी इस मामले में हाथ डालने से कतरा रहे हैं। पीड़िता ने धमकी दी है कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वो न्यायालय के अंदर ही आत्महत्या कर लेगी। अब सवाल उठता है कि FIR दर्ज होने के बाद पुलिस क्यों नहीं कदम उठा रही है? पुलिस के सामने क्या मजबूरी है? क्या पीड़िता के आरोपों पर पुलिस संज्ञान लेगी? लखनऊ से सिराज अहमद, APN।